अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरी जो आज की सुबह है वो मैं चाय के साथ शुरू करती हूँ। तो अभी मेरा चाय बन रहा है, तो अभी मैं अपना चाय पी लूँगी। बाद में आप लोगों के साथ दिन भर की सारी जो रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। तो अभी मेरी चाय रेडी हो चुका है, तो मैं अपना चाय अभी पी लेती हूँ। आज मैं बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाऊँगी। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप सूजी लिया है, यह है मेरा मेजरिंग कप, उसी से लिया है, और 1 चम्मच चीनी इसमें डाला है, और 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला है। अभी मैं इन लोगों का, इन सबको मिला कर एक अच्छा सा डो बना लूँगी। अभी जो मेरा डो है ना वो बन चुका है, तो अभी मैं आधे घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी। तो अभी मैं अपना छोले बनाने जा रही हूँ। छोले बनाने के लिए मैंने 1 पतली में दालचीनी लिया है, तेज़पत्ता, इलायची, ब्लैक पेपर और लौंग लिया है, और 1 चम्मच चाय पत्ती लिया है। तो अब 1 पोटली में बांध कर अच्छी तरह कुकर में डाल दूँगी। अभी जो मेरे छोले हैं उनको मैंने साफ पानी से धोया है, और धोने के बाद इसमें जो पोटली मैंने बनाया था वो डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और नमक डाला है, और उसमें पानी डालकर अभी गैस में चढ़ा कर 5 सीटी लगा दूँगी। तो अभी जो मेरे छोले हैं वो पक चुके हैं, और जो अंदर पोटली था वो भी मैंने बाहर निकाल दिया है 5 सीटी मारने के बाद। अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, सरसों का ऑयल डाला है, और यहाँ पर जो सारे मसाले मैंने काट के रखा है, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली, तो सब मैं अभी कढ़ाई में डाल दूँगी। और थोड़ा सा जीरा भी डालूँगी, जीरा डालने में इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और गर्म होने के बाद जो मसाले मैंने काट के रखा है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, फिर एक एक करके सारा मसाला डाल दूँगी। तो अभी मसाले मैं ऐड करने जा रही हूँ। एक चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक तो मैंने पहले दे दिया, अभी थोड़ा दूंगी, बाद में टेस्ट करके अगर लगेगा तो दे दूंगी। तो अभी जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अभी इसमें मैं जो बॉयल किया हुआ छोले हैं वो अभी मैं डालूँगी। अब छोलों को मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है, तो अभी मैं ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। जो भी मसाले हैं, प्याज, टमाटर, वो पूरी तरह गल जाए, फिर हमारा जो छोले है वो रेडी हो जाएगा। अभी मेरे छोले भी बन रहे हैं, और साथ में मैंने फिश भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज फिश से जो कटकला है वो बनाना, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी फिश के साथ। और यहाँ मेरे छोले भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी भटूरे बनाकर बच्चों को दे दूँगी। अभी मैं अपनी भटूरों को फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करने के बाद बच्चों को दे दूँगी। तो ये लीजिए, मेरा गर्मा गर्म छोले भटूरा बन चुके हैं। अभी मैं बच्चों को बुलाकर दे दूँगी। छोले बनने के बाद मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी डालने से छोलों का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अभी बच्चे खा लेंगे। बच्चे को नाश्ता देने के बाद अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे मेरा जो फिश है वो भी मैंने फ्राई कर दिया है, तो सुबह से काम शुरू हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी 12 बज चुके हैं, तभी बच्चों को नहलाना है, फिर उनको खाना दूँगी। खाना खाने के बाद 2-2.5 बजे खा लेंगे।
और जब हमारा जब आइडेंटिटी की बात होती है, जब हमारा पहचान की बात होती है कि क्या करती है एक औरत, तब सब लोग यही कह देते हैं कि हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती। लेकिन जो हाउसवाइफ करती है वो शायद कोई भी ना करे, सुबह से शाम तक उठती है तो सारा घर का काम, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन घर के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे पति बच्चे सब लोग तो घर पर रहते हैं, लेकिन सुबह का जो उठ के रूटीन शुरू हो जाता है वो एक औरत ही करती है, एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी कर सकती है। लेकिन हमारा पहचान बस मामूली सा है, सब लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है। तो इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए, हाउस वाइफ भी सुबह से शाम तक काम करती है, वो भी बिना रुकावट के। लेकिन जो नौकरी करते हैं औरतें, उनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी घर का काम अच्छी तरह से नहीं देख पाते, बच्चे को भी अच्छी तरह नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ है वो घर पर रहकर पूरा दिन अपना बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर दे देते हैं। तो फिर भी हमारा एक पहचान होना चाहिए कि हाउसवाइफ भी कुछ करती है, लोगों को समझना चाहिए, सब लोगों को। तो अभी मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। ये देखिए मेरा जो सब्जी है, आज का खाना बन चुका है, रो बनाना और फिश की सब्जी, ये बन चुका है, चावल भी बन चुका है। किचन को एकदम से नीट एंड क्लीन कर दिया है। अभी दोपहर का खाना खाएंगे कुछ देर के बाद। यहाँ पर देखिए जो हमारा डाइनिंग रूम है, यहाँ का जो टैप है ख़राब हो चुका है, ये टैप ऑन करते ही यहाँ पर पानी निकल जाता है, बहुत सारा आ जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बंद करके रखती हूँ। और ऐसे करके हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारा जो घर का मकान मालिक है, उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा, कोई मिस्त्री बुला कर देंगे वो, तभी ठीक होगा, क्योंकि किराए के घर में रहते हैं हम लोग, तो परेशानी तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। अभी शाम होने वाली है, तो हमारे यहाँ की जो शाम की व्यू है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ का जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर जो मेरे गार्डन है वो देखिए। तो ये जो कुछ भी था आज के दिन का, जो मेरा रूटीन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।